रूर्मी के ठिंगीपुर के जंगल में एक हाथी का संदिग्ध हालत में शव मिला है। शव 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। हाथी के सिर और गले के हिस्से में चोट के निशान हैं। ऐसे में शिकारियों के बिछाए करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत की आशंका जताई जा रही है। इधर पूरे मामले में मुंगेली वन मंडल के अधिकारियों की गंभीर लापरवाही है। लोरमी के नज़दीक होने के बावजूद भी 5 से 6 दिनों तक वन महकमे को हाथी के शव के पड़े होने की जानकारी तक नहीं मिल पाई। वहीं हाथी के मौत की सूचना पर मुंगेली वन मंडल के बड़े अधिकारी मौके से नदारद रहे, जिससे वन विभाग की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि लोरमी इलाके में लगातार एक के बाद एक शिकार की कई घटनाएँ सामने आ रही हैं और 2 साल पहले भी इसी इलाके में बाघ के 2 शावकों के संदिग्ध अवस्था में उनके शव मिले थे। उस वक्त भी शिकार की आशंका जताई गई थी।